बोलो। वारणास चौथा जी स्वामी जी महाराज की वाणी ले रहे हैं। चौथे महीने तो मतबल के यूपी दे अंदर साल हाड़ तो शुरू हुंदा है। ये स्वामी जी का हाड़ सौण भादों अस्सू चौथा महीना है। क्या रूह उस मालक तो विछड़ के अपना देश सचखंड छड़ के जद मन इंद्रियां दे जाल विच फस जांदी है, दुखी हुंदी है, पकार करदी है, 84 भोग हटदी है, 84 च भी सुख नहीं, किसे जगह टिकना नहीं मिलदा गा, दुख विच पकार करदी है, ओ परमात्मा ओ वाहिगुरु अकाल पुरख आप दी अनस दा दुख नहीं सहार सकदा गा, ओ फिर संत दे रूप विच आउंदा है, अपना असली घर असली देश जिथे के मौत पैदाइश नहीं छड के साढ़े विच इंसाना विच इंसान बनता है, पेशाब पखाने बीमारियां वाला शरीर साड़ी खातर तारदा है, जिस तरह किसी का लड़का कतल करके जेल विच चलिया जाता है, बेशक उसका पिता उस दियां इन्हां हरकतों को तो खुश नहीं, फिर भी अपनी अनस होण करके ममता होण करके उहदे प्यार दा बजिया कोर्ट दे विच जांदा है, अपील करदा है, उसनू छडाउण दी जितनी भी वह कोशिश कर सकदा है करदा है। इसे तरह संत सतगुरु अपनी अनस होण करके, क्योंकि आत्मा उस परमात्मा दी अंश है, अंसा अंसी पर प्यार हुंदा है, इस वास्ते अपना असली देश भेज छड के साड़ी खातर बीमारियां और टटी पेशाब वाला चोला तारदा है, आत्मा दी खातर दुनिया दे ताने मेहने कष्ट चलदा है, सिर्फ एक आत्मा दी खातर ही वो इतना कुछ करदा है। तो स्वामी जी महाराज इस शब्द दे अंदर बड़े प्यार दे नाल समझाउंदे है, लेकिन फिर किहड़ा असी दुनिया दे जीव उन्हां महात्मा दा कहा मनते हैं या मन के असी अंदर जाने हैं। एक महात्मा आता है, वो साढ़े 20-25 भरम कढ़ता है, असी 40-50 होर पा के बैठ जाने हैं। किसी महात्मा ने यह नहीं अज तक दसिया कि बाहरले रीति रिवाज नाल थानू परमात्मा मिलेगा या वह असमाना तो मिलेगा या किसी समुद्र की तह विचों मिलेगा। हर महात्मा ने जोर दे के कहा कि वह परमात्मा थोड़े शरीर अंदर है, थोड़ी दे और वजूद दे अंदर है। तुसी कबीर साहब की बाणी पढ़ के देख लो, उसने मूर्ति पूजा की खातर वध तो वध संघर्ष किया, मुसलमाना की जाति विचों पैदा होए सन, उन्हां लोगों ने भी विरोध किया। क्यों किया? वो कहन लगे कि पत्थर कंकर जोड़ के मस्जिद लई चिणाए, तहां चढ़ मुल्लां बांग दे क्या बहरा होया खदाए। तुसी अपने हत्थां पैरां नाल मंदिर मस्जिदां बनाउने हो, उहदे विच तुसी उच्ची उच्ची वाजे वजाउने हो, कूकां मारदे हो कि उह खुदा कि उह परमात्मा बोला होया है कि उह बहरा होया होया है जिसनूं तुसी सुना रहे हो। गुरु नानक साहब कहिंदे है कि नेड़े तो नेड़े वो थोड़ी आवाज़ सुनता है। गुरु गोबिंद सिंह दियां अखां खुलियां सन, वो कहन लगे कि हाथी की चीक तो मगरों सुनता है, कीड़ी की पहला सुन लेंदा है, हुण तुसी देख लो कि वो परमात्मा सुता होया तो नहीं जिसनों असी वाजे वजा के जगा रहे हैं, वो तो साढ़े अंदर बैठा है। सो इस वास्ते मुसलमान लोगों ने कबीर साहब की
मुखालफत की, हिंदुआ मुखालफत की, क्यों की बई? वो महात्मा सच कहते सन कि मूर्ति पूजण वाली जिहड़ी भगती है ये नास होने वाली है, नकेष्ट है, पत्थर बोलता नहीं, पत्थर तुहानू जवाब नहीं दिता दिंदा गा। लेकिन असी लोगों ने की किया कि बजाए समझण दे कबीर साहब की मूर्ति बना के ही पूजन लग गए। तुसी देख लो जिस महात्मा ने सारी जिंदगी संघर्ष किया होवे, किसी चीज़ का खंडन किया होवे, असी उसे दी उही मूर्ति पूजन लग जाइए बना के, किड्डी बुरी गल है। इस तरह लोग वेदा शास्त्रा दे पढ़न विच मुक्ति समझते सी, गुरु नानक आया उन्होंने रज पुज के इस दी खातर संघर्ष किया, लोगों नू संदेश दिता कि पढ़ पढ़ा के मुक्ति नहीं हो सकती गी, जो पढ़ते हो उहदे उसते अमल करना मुक्ति जरूर हो सकती है। लेकिन असी लोगों ने गुरु नानक नू कराइया कहना शुरू कर दिता कि इहदा उपदेश ही ठीक नहीं। हुण असी सोचते हैं कि जो कुछ महात्मा कहिंदे है शायद वह गलत कहिंदे है। हुण तुसी गुरु नानक साहब की बाणी पढ़ के देख लो, जगह जगह, एक जगह नहीं, गुरु ग्रंथ साहब दे विच हज़ारों दफा आउंदा है कि पाठ पढ़े ना कीमत पाए, अष्ट दसी चौ भेद ना पाया, नानक सतगुर ब्रह्म दिखाया। आप कहन लगे पाठ करन दे नाल परमात्मा नहीं मिलता गा, जिहड़ा पाठ करदा जद उहनू शांति नहीं, सानू किस तरह हो सकती है? अष्ट दसी चौ भेद ना पाया, आप कहन लगे कि अठ ते दस अठारह प्राणा चार वेदा ने उस परमात्मा दे नाल मिलाप नहीं किया गा, भावें तुसी उन्हां दा वी इन्हां दे नाल रला के पाठ कर लो, भोग पा लो, नानक सतगुरु ब्रह्म दिखाया। गुरु नानक देव जी महाराज कहन लगे अगर उस चीज़ नू कोई दिखा सकता है, वह रस्ते ते पा सकता है, तो कोई पहुँचया होया महात्मा ही तुहानू उस रस्ते ते पा सकता है। सो इस वास्ते शब्द बड़ा सुनने वाला है, स्वामी जी महाराज का है, सुनो गौर नाल। कहिंदे है कि अगर अज तक असी कदे भी किसी संत सतगुरु नाल मिलाप किया हुंदा, उहदे नाल प्यार किया हुंदा, नाम लिया हुंदा, नाम की कमाई की हुंदी, असी इस दुखी दुनिया के हाजिर क्यों हुंदे? अज क्यों तड़फदे फिरदे, क्यों रोंदे फिरदे? सो महात्मा सानू प्यार ना दसदे है, तुसी सोच के देख लो। कोई मूर्ख ही आदमी तो बेशक कह देवे कि मैं सौखा हैं, लेकिन जिहड़े असी सानू थोड़े बहुते आरजी सुख मालूम हुंदे है, इन्हां ने पता नहीं कद दुखां दे विच तब्दील हो जाना है, पता नहीं कद बीमारी आ जानी है, पता नहीं कद भरिया भराया बाजार असी छड़ के तुर जाना है। जिन्हां महात्मा दी अखां खुलियां है वह सानू दसदे है कि संसार जां ये जीवन जिहड़ा है छिन पंगर है, इत्थे तरिया तराया रह जाना है। असी आपदे परिवार नू देख के रोने हैं कि साडा तुहाडा साथ छुड़ रहा है, परिवार सानू देख के रो रहा है, असी की कर रहे हैं? परिवार अपनियां लोड़ां अगे रखता है, तुसी देख लो पति मरदा है, औरत मूहरे स्यापा करती है, वो ये नहीं करती कि तेरे ना की होएगा, वो सिर्फ ऐं रोंदी है कि मैनू किहदे लड़ला चलिया, बच्चों का की बनेगा। इस तरह मर्द रोंदा है, औरत मरदी है, मैं तेरे बिना की करूँगा, बच्चे कौन पालेगा? लेकिन ये कदे कोई नहीं पुछदा गा कि तेरे नाल अगे की होएगी, की तेरे नाल बीतेगी, कोई तेरा अगे बाली वारस है? हजरत बाहू साहब कहिंदे है एक विछोड़ा माँ प्यो पाइया, दूजा अजाब कबर का हो। एक तो माता पिता का विछोड़ा है, भैन भाइयों का विछोड़ा है, यूं रोने हैं, आपदे रहन वास्ते बड़े बड़े खुले उच्चे मकान बनाने हैं, अगे सानू कबर दीदी है, जां उत्थे लकड़ियां दी अग दा ता दीदा है कि आ कुछ होएगा। दूजा अजाब कबर का हो, कबरां दे विच अन्ना पानी, उत्थे खर्च लड़ींदा घर का हो। आप कहन लगे उत्थे कौन है? कोई माता बैठी है जिहड़ी खाना बना के तैयार रखी बैठी है? कहन लगे उत्थे भी किसी चीज़ की लोड़ है। इत्थे तुसी देख लो किन्ना किन्ना पैसा आपां बैंकां विच रख दिंदे हैं, किन्ने किन्ने अन्न आपां घरां दे अंदर रखते हैं, और किस तरह उस नूं सील करते हैं, फिर किहड़ा भुख लैंदी है? सोच के देख लो, कदे उस सफर नूं अखां दे अगे रखिया है?
कि जिथे साडा कोई माता नहीं, पिता नहीं, भैन नहीं, भरा नहीं। सुखमनी साहब असी रोज़ ही पढ़ते हैं, गुरु नानक देव जी महाराज, अर्जन देव जी महाराज कहिंदे है, जै पंथ तेरा कोई ना सियानू, हर का नाम तै नाल पछाणू। कहन लगे जिस रास्ते ते तैं जाना है तेरा कोई पछाणन वाला है, अगर नाम है तो यही परवाना है भरावा, हुण नाम असी लिया नहीं गा। फिर कहन लगे जे मार के गणे जाए ना कोसा, हर का नाम ऊहां संगतो सा। फिर कहन लगे तेनू ये नहीं पता कि रास्ता किन्ना लंबा है, किन्ना गहरा है, किन्ना वह बिखड़ा है, किन्ना उहदे विच उचाई डंगाई है। कहन लगे कि तेरे नाल कोई है ऐसी वस्तु कि जिहड़ी तू उत्थे खा लेंगा। कहन लगे अगर तोसा है लिजाण वाला वह नाम है, नाम ना साडा प्यार नहीं, नाम ना साडी मुहब्बत नहीं। फिर आप कहन लगे कि जै पेंडे महा अंध गवारा, हर का नाम संग उजियारा। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहन लगे वो बड़ा अंधेरा रस्ता है, बड़ा डूंगा है, उत्थे पता नहीं लगता गा कि किधर असी जाना है, किधर आना है। इथों वाली अखां, इथों वाली बिजलियां जिहड़ियां हन, ये तो भरावो इत्थे ही रह जाणियां हन। तो आप कहन लगे हर का नाम संग उजियारा, अगर नाम होएगा तो वह तुहाडा लाइट करेगा, प्रकाश करेगा, जिहदे विच तुसी आपदा रस्ता देख सकोगे कि असी कित्थे जा रहे हैं। पहली तो गल यह है कि जब असी शरीर छड़दे हैं, जिन्हां संत सतगुरां ने सानू नाम दिता है वह साथों पहला साढ़े इंतजार विच हुंदे है, पहले ही वह आ जाते हैं। मैं कल दे सत्संग विच दस्या सी कि किस तरह वह नाल लेके जाते हैं। सो इस वास्ते तजर्बा दसदा है कि अज ताई अगर सानू कोई गुरु पीर महात्मा मिलिया हुंदा, नाम मिलिया हुंदा, असी यह दुखी दुनिया विच हाजिर ना हुंदे गे। असी उरार तद ही बैठे हैं कि सानू नाम नहीं मिलिया, शब्द नहीं मिलिया जी। कहिंदे कि किस चीज़ ना प्यार सीगा, भोगा नाल सी, भोग तो रोग पैदा होए, रोग तो सोग पैदा होया। गुरु नानक साहब कहिंदे है भोगों रोग सो अंत बगोए, आए जाए दुख पाएंदा, कदे दुखी है, कदे सुखी है, कदे तड़फदा है। इस वास्ते आप कहन लगे कि इहदी हालत है, इहनू किस तरह यह पार हो सकता है। यह तो इत्थे बेचारा दुखी होया फिरदा है। कबीर साहब कहिंदे है सुख में सिमर ना किया, दुख में किया याद, सुख दुखी होए दास दी कौन सुने फिर याद। जब ता मौका सी परमात्मा नू याद ना कीता, हुण उस वेले याद करदा है जदके सब सहारे टुट जांदे है। फिर किहड़ा इह सीधे दिल नाल याद करदा है, फिर भी ये कहिंदा है किसे डॉक्टर नू बुलाओ जिहड़ा मेरी जान रख लवे, फिर भी उत्थे लड़दा है, झगड़दा है जी। ਲਜਤਾਂ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਨਾ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਰਾਗ ਹੈ, ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਰੇ ਕੌਣ, ਰੱਖੇ ਕੌਣ, ਇਹਦੀ ਬਚਤ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਆਸਾ ਤਹਾਂ ਵਾਸਾ। ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਭਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੱਕੜੀ ਦਾ ਪਾਲੜਾ ਭਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਪਾਸਾ ਝੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਖਰ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਖੀ ਗਏ ਸੀ, ਦੁਖੀ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਦੌੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੱਜਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਨੱਚਦੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਮਗਰੋਂ ਹੈ, ਮੌਤ ਫੇਰ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਨੰਬਰੀਏ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਕੜੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਜਦ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੱਲੋ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਮ ਰਾਜ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
फिर मौत आउंदी है, फिर चलो धर्मराज दे आ साडी हालत है जी। जिस तरह कोई किसी लड़की की शादी ना होवे आपा उसनू कुआरी कहने हैं। अगर कुआरी लड़की बदमाशां दी संगत सोबत दे विच जावे वे विचार करे, आपा सब समाज वाले लोग उसकी निंदा करते हैं और उसकी खिलाफत करते हैं कि इन्हें आपके माता पिता का नाम ही बदनाम कर दिता है। इस तरह साड़ी जिहड़ी आत्मा है ये सतपुरश की बच्ची है, परमात्मा की बच्ची है। जब तक ये उस परमात्मा नूं नहीं मिलदीगी ये सुहागण नहीं हुंदीगी, ये कुआरी है। ये हुण मन जिहड़ा है साडा वह पंगी है, बदमाश है, उहदे नाल यारी पा के अज बिबचार करदी है। मन जिहड़ा है फिर इस ते सबर नहीं करदा, वह पंगी वह अगे इंद्रियां दे वस पिया होया है। अखां दी इंद्री सोहणे रूप ते खिच के लै जांदी है, कन्नां दीआं इंद्रियां जिहड़ियां है ये अच्छे अच्छे रागां ते खिच लै जांदियां हन, जवान दी इंद्री चंगे चंगे खाणियां ते खिच के लै जांदी है। इस तरह बाकिया इंद्रियां का हालत है। सो आप कह लगे सुरत जिहड़ी है ये कुआरी है, जब तक परमात्मा नूं नहीं मिलदीगी इन्हें मन भंगी का साथ लैके व्यभिचारन बनी हुई है जी। मन भंगी इहनूं किहड़ा चैन लैण दिंदा है, वह कदे काम च फसाउंदा है, कदे क्रोध दे विच फसाउंदा है, कदे किसी जगह दुख दिंदा है, कदे किसी जगह दुख दिंदा है। आत्मा चेतन है, मन जड़ है, खोलनी तो इस दिन दे नालों गट सी, क्या इस तो अलहदा करना सी अपने आप नूं? आप कहण लगे लेकिन इस दे वस पै गई है, एक हालत है। मन का अपना तो कोई वजूद नहीं गा, अपनी कोई यदि ताकत नहीं हुंदीगी, ये आत्मा तो ही ताकत लैके उसकी मिट्टी पलीत करता है। जिस तरह साढ़े हिंदुस्तान के अंदर अमर बेल हुंदी है, अमर बेल की जमीन पर कोई जड़ नहीं हुंदीगी, वह दरखत के उत्ते फैलती है। दरखत तो सता लैके ताकत लैके दरख्त नूं ही कमजोर करी बैठी हुंदी है। यही हालत साढ़े मन की है, मन आत्मा तो ताकत लैके आत्मा नूं ही कमजोर करी बैठा है जी। कहिंदे ना सत्संग नाल प्यार है, जो सत्संग नाल प्यार ने गुरु नाल की प्यार होना है। इस वास्ते आप कहिंदे सारी जिंदगी भरम वहम दे विच कट जांदी है। सतगुरां दी कृपा संतां दे सत्संग नाल ये आत्मा तर जांदी है। ये गल्लां दा मजबून ने, करन दा मजबून है, और ये पटड़ी दी छाल है। जिहड़ा इस जामे विच आके मार गया वह पार हो जांदा है, जिहड़ा सोचदा रहिंदा है वह रह जांदा है। सो इस वास्ते आप प्यार दे नाल दसदे है कि ना तो सत्संग नाल प्यार है, ना सतगुरां नाल प्यार है, ना नाम नाल प्यार है, सानू कौन तारे, कौन सानू कढे जी।
ਕਦੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਦਾ ਹੰਡੋਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੰਡੋਲਾ ਅਸੀਂ ਆਮ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਕਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕਰ ਉਹ ਕੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੰਡੋਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਹੰਡੋਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਇਤਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰਾ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਲਓ, ਕਾਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਚੱਕਰ ਦਾ ਹੰਡੋਲਾ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਨੀਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਚੇ ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੀਵੇਂ ਜਾਮਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨੀਵੇਂ ਜਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਜੰਮਣ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਰਨ ਹੈ, ਕਦੇ ਫੇਰ ਜੰਮਣਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਫੇਰ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਚੱਕਰ ਦਾ ਹੰਡੋਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਥੱਲੇ। ਜੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੰਡੋਲਾ ਝੂਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘਿਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਨਮ, ਗਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਨੀਚੇ ਚੱਕਰ ਖਾਧੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਧਰਮਰਾਜ ਆਪਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਰੇ ਮਨਾ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਖ ਸਹੀ, ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਵਹੀ, ਤਲਵਾਂ ਪੈਨ ਪੈਸਨ ਪੂਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿਨਾ ਰਹੀ, ਅਜਰਾ ਹੀਰ ਫਰੇਸਤਾ ਹੋਸੀ ਆਈ ਤਈ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾ ਸੁੱਜੀ ਭੀੜੀ ਗਲੀ ਫਹੀ, ਕੂੜ ਨ ਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਔਰ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਸਹੀ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਮਦੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣਗੇ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨਗੇ, ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਤ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਜਮਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਚੱਕਰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 84 ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹਰ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਚਿੜੀਆਂ, ਗਟਾਰ, ਮੱਝਾਂ, ਗਾਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਔਰ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸੌਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਪਹਿਰੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਨ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈ ਸਵਣ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜ੍ਹੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅੱਛੇ ਪਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਰਮ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਹ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਭੋਗ ਭੋਗਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਲਿਆ ਕੀ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏ ਕਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਆ, ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਝਗੜ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਸਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਆਪਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਸਾਡੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮਹਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਸ਼ੂ ਘੜੈਂਤਾ ਨਰ ਘੜਾ ਚੂਕ ਗਿਆ ਸਿੰਘ ਪੂਛ, ਅਕਲ ਵੋਹੀ ਹੈ ਵਾਨ ਕੀ ਬਿਨਾਂ ਸਿੰਘ ਬਿਨ ਪੂਛ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਘੜਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਬਜਾਏ ਸਿੰਘ ਪੂਛ ਦੇ ਇਹਦੇ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮ ਝੂਲਦਿਆਂ ਬੀਤ ਗਏ ਆ, ਜਮਾਂ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਤ ਗਏ ਆ, ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੁਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਜੈਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਵੈਸਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੁਗਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਮਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਮੱਥਣ ਮਦਾਣੀਆਂ ਤਿਉਂ ਮੱਥੇ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦਾਣੀਆਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਮੱਥਦੀਆਂ ਹੈ, ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਧਰਮ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਭੰਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਅੰਸ਼, ਕਿੱਥੇ ਕਿਆ ਕਾਲ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਜੂਤ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿੱਡੀ ਇਹਦੀ ਕੁਲ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਇਹਦੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਜਮਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਡੰਡੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੋਵੇ ਅੱਛੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹੈ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਡੰਡੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰੇ। ਸਭ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਦੇਖ ਬਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਗੋਤ ਸਤਨਾਮ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਕਾਲ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਜਾਤ ਬਣਾਈ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਆਹ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਆਹ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਜਾਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਸ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 10-20 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਅਨਿੰਦ ਨਿੰਦ ਕਰ ਛੋਡੇ ਸੋ ਵੀ ਫਿਰ ਕਾਤ।
अज जिन्हां दी असीं निंदिया करदे हैं हो सकदा कि उन्हां घरां 'च साडा जन्म हो जावे और उत्थे जाके साडा रहण बहन हो जावे। सो महात्मा कहिंदे है सानू ये नहीं पता असी पिछे कित्थे जम्मे सी, की साडी हालत सी, कौन साडा माता पिता सी, अगे असी कित्थे जाके जन्म लेना है और उत्थे किन्ना चिर रहना, उदों अगे कित्थे जाना है। सो महात्मा सानू बड़े प्यार दे नाल समझाउंदे है कि ये वेख सतपुरश दी बच्ची दी की हालत है जी। अपना गोत गवाता, अपनी जात गवा दिती, मन में फिर भी शर्म नहीं आई इस नूं। कदे कहिंदी मैं हिंदू है, कदे कहिंदी मैं सिख है, कदे कहिंदी ईसाई है, कदे कहिंदी मैं पंगी है। अपनियां जातां कौमां जो मन ने बनाईयां है उहदा लिहाज है, उहदा रोज प्यार है, उहदी रोज मुहब्बत है, उसका प्रचार है, लेकिन जिहड़ी खुद जिहड़ी जात है कौम है उहदे मुतालिक कदे सोचदी नहीं गी। इस वास्ते आप कहिंदे आ तद वी इहदे अंदर लाज नहीं, इस नूं शर्म नहीं कि मेरा किड्डा उच्चा गोत है, किड्डी मेरी जात है जी। महात्मा सानू दसदे है मन दे कहे असी कौमां बनाउने है, मन दे कहे असी जातां कबूल करदे हैं, मन दे कहे असी रिश्ते नाते करदे हैं। जो कुछ असी मन दे मगर लग के करदे हैं उन्हां नाल सानू मुहब्बत है, उन्हां दी सानू लोक लाज हुंदी है, लेकिन जिहड़ा साडा अपना धर्म है, जिहड़ी साडी अपनी जात है, जिहड़ी साडी कुल है, ना उहदा असी कदे ख्याल ही कीता, ना सानू पता ही है साडी किहड़ी है। कबीर साहिब कहिंदे है गगन दवामा वाजिया पड़िया निशाने काओ, खेत जो मांडे सूरमा अब जूझण का दाओ। इंसानी जामे विच ही असी जूझ सकते हैं। आप कहन लगे सूरा सो पहचानिया जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाडे खेत। वो सूरमा है जेड़ा अपने दीन दी खातर लड़दा है, जेड़ा अपनी कौम दी खातर लड़दा है। हुण संतां दा मतलब है दुनियावी कौमां कनी नहीं, ये तो असी संतां दी बाणी दे उल्ट अर्थ करी जाने हैं और उल्ट समझी जाने हैं, उल्ट समझाई जाने हैं। सो इस वास्ते संतां दा मतलब तां अपनी कौम, अपनी कौम किहड़ी है, सचखंड है, साडा घर किहड़ा है, सचखंड है, साडी कौम सतनाम है, उह सूरमा है जिहड़ा मन दे नाल लड़े। गुरु साहिब कहिंदे मन ही नाल झगड़ा, मन ही नाल सत। तुहाडा दुश्मन तुहाडे अंदर बैठा है, तुसीं इस नाल झगड़ा करो, इहदे नाल सत कढो, जिहड़ा तुहानूं तुहाडे दीन नूं प्राप्त नहीं करदा, जिहड़ा करन दिंदा गा, जिहड़ा तुहाडी कौम नूं मिल नहीं दिंदा गा। सो इस वास्ते तां दुनिया की कौम का लिहाज करते हैं, दुनिया दीआं कौमां वास्ते लड़दे हैं। जे सारे हिंदू बन जाणगे फिर कड़ा शांति आ जाएगी, जे सारी दुनिया ईसाई बन जाएगी कि फिर शांति आ जाएगी। ये तो दुनिया इसे तरह ही भरावो बनी रही है। तुसी सोच के देख लो कि अज तो 5000 साल पहला कोई बोधा नूं नहीं जाणदा सीगा, इसे तरह 2000 साल पहला कोई ईसाइयां नूं नहीं जाणदा सीगा, 1400 साल पहला मुसलमानां दा नाम निशान नहीं सीगा, इसे तरह अज तो 500 साल पहला सिखां नूं कौन जाणदा हुंदा सीगा, अज तो 100 साल पहला राधा स्वामी लफ्ज़ नूं कोई जाणदा ही नहीं सीगा। सो महात्मा प्यार दे नाल दसदे आ दुनिया तो कोई 5000 साल पुरानी नहीं, कोई 2000 साल पुरानी नहीं, कोई 500 साल पुरानी नहीं, दुनिया का तो पता ही सानू नहीं गा कि कादे बने, किन्नियां परलें महापरल संसार विच आईयां हन। सो इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहिंदे हैं अनेकां कौमां आईयां, अनेकां ने आउणा है और पता नहीं मन ने कितने कि इत्थे बनाउणे है। साडे सतगुरु महाराज सावण सिंह दे अगे किसी ने बेनती की कि जी लोगों ने बड़िया बड़िया कौमां मजहब बनाए है, तुसीं भी कोई अपने गुरोह का नाम रखो, कोई मजहब की नींव रखो। महाराज सावण सिंह कहन लगे बड़े खूह पुट्टे हुए, नवां पुट्टण की की लोड़ है। सो महात्मा ना कौम बनाउण वास्ते आउंदे आ, ना किसे दी बणी तोड़न वास्ते आउंदे है जी।
कुल बड़ा उच्चा है, ना उत्थे बर्मा पहुँचता है, ना शिव पहुँचता है, ना उत्थे विष्णु पहुँचता है, उत्थे किसी की पहुँच नहीं। वो तो सचखंड देश है, कह लगे इदू उपर है, लेकिन पूरा संत महात्मा ही उत्थे पहुँचता है। उही सानू उस जगह जोड़ सकता है। संत महात्मा ना तो साढ़े हाथ अंदर डंडे तलवारां दे के लड़ाउण वास्ते आउंदे है, ना वो साडे किसी दे नाल नफरत कराउण वास्ते आउंदे है। महात्मा तो साढ़े अंदर प्यार पैदा करते हैं और मालिक के नाल मिलाने वास्ते आते हैं। वो सानू दसते हैं कि साडा सब का परमात्मा एक है, असी सारे उसके बच्चे हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज की बाणी पढ़ के देख लो, एक पिता एक सके हम बारक। जे असी ये समझिए कि सारे का पिता एक है, उसी उसे दे सारे बच्चे हैं, साड़ी किदे नाल नफरत हो सकती है, किदे नाल साडा दुख हो सकता है, कौन पराया दिस सकता है जो सब दे अंदर परमात्मा ही दिसेगा। इस वास्ते संता महात्मा दा ते उपदेश है। रीत साहब कहिंदे आ, जो तैं मारन मुकियां तिन्हां ना मारे कुम, अपनड़े घर जाया पैर तिन्हां दे चुम। फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा ना मन हंडाए, देही रोग ना लगी पल्ले सब कुछ पाए। कहिंदे अगर तुहाडा कोई बुरा करदा है तुसीं बुरा ना सोचो, तुसीं अपने कन्नो नेक रहे उहदी तरफ भेजो। इस वास्ते महात्मा तो साढ़े अंदरों वटा तोड़न वास्ते आउंदे आ, बनाउण वास्ते नहीं आउंदे गे जी। ना उत्थे जोगी पहुंचे, ना उत्थे शिव पहुंचिया, क्योंकि सारे ब्रह्म तो थले थले रह जाते हैं। जोगियां नूं पता नहीं कि परमात्मा किस मंजिल ते रहिंदा है। उन्होंने भी सारी जिंदगी बड़े अका देण वाले प्राणायाम किया, बड़ी मुश्किलां उन्होंने उठाइया, लेकिन आखिर वक्त पैण ते फिर हड्डियां दे ढेर हो गए। मन ने उन्होंने गुरा लिया। तुसीं प्राण पढ़ के देख लो कि किस तरह जोगियां दी खिली उड़ाई हुई है। मछिंद्र की तुसी हालत देख लो, दिल दे विच ख्याल आया, आखिर काफ़ी कमाई कीती हुई सी, फिर भी मन का जो दा लग्या, दिल च ख्याल आया कि राजे लोग बड़े ऐश करते होने हैं, भोग भोगते होने हैं, भोगों च बड़ी खुशी होएगी। हुण एक दूसरा शरीर तो तब्दील कर लैंदा सीगा, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी का वाकया दसदा हुन्ना कि जब मैं प्रसाद वाली संत कोटादास दे पास गया, उसनू पुछया, वह कहन लग्या, देख भी बेटा मैं तेनू शेर बनन सिखा सकदा, सप बनना सिखा सकदा, देह पलटनी सिखा सकदा है। मैं उसनू बड़े प्यार नाल जवाब दिता कि महाराज जी, मैं तो इदू उपर तरक्की नू चाहुंदा है, यह तो जे मैं भेड़े खोटे कर्म करूँगा तो खुद ही बन जाऊँगा। सो इस वास्ते महात्मा दसदे है कि वो इन्हां लोकां नू इत्थों तक तो रसाई कर जाते हैं, लेकिन यह परमात्मा की भगती नहीं। हुण वो दूसरे शरीर के विच तां आत्मा नू प्रवेश कर सकदा सीगा, किसी राजे की मृत्यु होई, मछिंद्र ने उस आत्मा उस बाडी के अंदर अपना प्रवेश कर दिता, वो बैठ गया, उठ के लोगों के दिल च खुशी हुई कि राजा उठ के ज्यों पिया है, राज कीता। हुण मछिंद्र नूं पता सीगा कि गोरख जो मेरा चेला है वह काफ़ी करनी वाला है, वक्त आया कि ऐसा ना होवे कि मैनू ऐस रंग राग दे विचों वो कढ के लै जावे। उसने अपने राज दे अंदर ये हुक्म लागू कर दिता कि कोई कन्न पाटिया जोगी इत्थे ना वड़े, क्यों किसी नूं की पता सी कि अपनी कमजोरी लुकाउंदा है। आखिर जलंधर नाथ ने, क्योंकि योगियां दे 12 पंथ उस वक्त दे वे सी, दूसरे पंथ ने उन्हां नूं ताना मारिया कि गुरु तां भोग भोगदा है और आ वड्डा गोरख नाथ कहाउंदा है, तुहानूं पता है गुरु की आलोचना सुननी बड़ी मुश्किल हुंदी है।
ਹੁਣ ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਨ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੁੰਦਰ ਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਖਿਰ ਗੋਰਖ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਗ ਰੰਗ ਸਿੱਖਿਆ। ਜਦ ਰਾਗ ਰੰਗ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਛਿੰਦਰ ਮਸਤ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਾਗ ਮਛਿੰਦਰਾ ਗੋਰਖ ਆਏ। ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਫੌਰਨ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮਛਿੰਦਰ ਦੀ ਦੇਹ ਛੁੱਟੀ, ਆਖਰੀ ਆਪਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦ ਮਨ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਟਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਉੜਾਈ ਆ ਨਾ ਉੜਾ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਤਲ ਕਰਦਾ, ਡਾਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਤਾ ਮਮਤਾ ਦਾ ਬੱਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਣਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਉਪਾਅ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੱਲੇ ਜਾਣ। ਜਦ ਇਹ ਆਤਮਾ ਅਤਿ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੈੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਸਤਨਾਮ ਹੈ, ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਸੰਤ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਰਮ ਬੋਲੇ ਕਾਇਆ ਦੇ ਓਲੇ, ਕਾਇਆ ਬਿਨ ਬਰਮ ਕਿਆ ਬੋਲੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕਦੇ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਸਤਸੰਗ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੁਣਿਆ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਬੋਲੀ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਗਏ ਬਈ? ਉਹ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਐਡਾ ਹਮਦਰਦ ਮਹਾਤਮਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸੇ ਹਮਦਰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਰੋਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਆਤਮਾ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਝਾਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਾਠੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾ ਛਡਾਵੇ, ਮਜ਼ਹਬ ਨਾ ਛਡਾਵੇ, ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਮੰਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗਰਜ ਦੀ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਬੇਗਰਜ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਨ ਤੁਮ ਭੇਜੇ ਤਿਨੇ ਬੁਲਾਏ, ਸੁੱਖ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਕਰ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਆਓ ਸਾਡੀ ਮਾਰਫਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਆਓ ਲੈ ਚੱਲੀਏ ਜੀ।
किस जरिए ले जाते हैं कि उन्हों को दवाई होंगी है जो सचखंड तो बाणी उठती है। मुसलमान उसनू असमानी राग कहते हैं, बांगे असमानी कहते हैं, हिंदू महात्मा आकाश बाणी राम नाम राम धुन कहते हैं, गुरु नानक देव जी महाराज उसनू बाणी कहते हैं। आप कहते हैं कि बाणी वजी चौं जुगी सचो सच सुनाए, वो सतयुग विच भी सी, त्रेते द्वापर विच अज भी, कल भी उस बाणी ने रहना है, उस बाणी ने खंड ब्रह्मंड बनाए हुए गए, उसनू पक्की बाणी करके बयान किया है। आप कहते घट अंतरे सच्ची बाणी, वह सारिया के घट के अंदर है, वह ना लिखण च आउंदी है, ना पढ़न विच आउंदी है, ना बोलण विच आउंदी है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि जदों असी अस्थूल सूक्ष्म कारण तिने पड़दे ला के दसवें द्वार दे विच पहुँच जाने हैं, उत्थे वो बाणी प्रगट हो जाती है और उस बाणी नू फड़ के असी सचखंड पहुँच जाने हैं, जिसनू गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे अनहद बाणी पूंजी संतन हथ रखी कुंजी। वह कहिंदे आत्मा नू आ असी तैनू बाणी दे नाल जोड़दे हैं, लेकिन जीवां नू पता नहीं कि वह बाणी किहड़ी है, किहड़ी बाणी नू असी फड़ना है, किहड़ी नू असी छड़ना है। ये बाणी की भी असी इज्जत करते हैं, क्यों इस बाणी की इज्जत करते हैं कि यह उस बाणी की महिमा गाँवी है, उसका पता दिंदी है। और आप कहते हैं जिस बाणी के नाल साड़ी मुक्ति होनी है वह बाणी साढ़े अंदर है, पूरे गुर की सच्ची बाणी सुखमन अंदर सह समाणी। आप कहते जिस बाणी के नाल तुहाड़ी मुक्ति होनी है वह सुखमना नाड़ी के अंदर दिन रात तनकारा दे रही है। हिंदू महात्मा गुरु नानक देव जी महाराज उसनू सुखमना नाड़ी कहते हैं, मुसलमान उसनू शाहरग कहते हैं। शाह रग तो मतबल मुहम्मद साहब कहते हैं, मेरा मतबल यह कंडी नहीं कि भी मैं इसनों कहना है, वह साढ़े अंदर है। आप कहते उस दे अंदर वो बांग आ रही है, उसनों तुसी सुनो। आप कहते लेकिन आत्मा उसनों बाणी नू ना फड़दी करके बाणी नू नहीं समझती गई, इस वास्ते डुबदी है, फिर निकलती है, जमदी है, मरदी है। उसे नू गुरु नानक साहब गुरु करके बयान करते हैं। आप कहते बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, बाणी कह सेवक जन मानै प्रतख गुरु निस्तारे। गुरु बाणी नू दसदा है, सेवक बाणी नू पकड़दा है, प्रतख महात्मा ही उस बाणी नू समझा सकदा है। सो इस वास्ते गुरु नानक साहब कहिंदे गुर पाहु कुंजी निवल मन कोठा तन छत, नानक गुरबिन मन का ताक ना उगड़े अवर ना कुंजी हथ। उस बाणी की कुंजी होर किसी कोले है ही नहीं गी, वह महात्मा के हवाले परमात्मा ने की हुई है। इस वास्ते बाणी की दस पाने वास्ते आते हैं, बाणी ना जोड़न वास्ते आते हैं। तुसी उसनू बाणी कह लो, हरी कीर्तन कह लो, शब्द कह लो, नाम कह लो, जो मर्जी है तुसी उसनू कह सकते हो। महात्मा का लफ्जा दे नाल कोई बहस मासा नहीं हुंदा गा, सवाल उस तक दा है। एक डंडा है उन्हू डंडा कह लो, लठ कह लो, सोटा कह लो, कुछ ही तुसी कह लो जी। कुछ असी अखा दे नाल देखते हैं, इस पौ सागर का ना उरले किनारे का पता है, ना परले किनारे का पता है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि समुद्रां दे अंदर बड़े बड़े बेड़े फिरदे है, किश्तियां फिरदियां है, उन्हां दे नाल मलाह हुंदे है, उन्हां दे हाथ विच चप्पू जां वांस हुंदा है, लेकिन जिहड़ी साडे पौ सागर दे विच समुद्र दे विच किश्ती गोते खांदी है, ना तां इहदे नाल कोई मलाह है, ना उस मलाह दे हाथ विच कोई चप्पू है। इस वास्ते आप कहते बगैर मलाह तो डगमगा रही है। सो महात्मा के कहने का भाव इतना ही है कि आप कह लगे ये सागर के हवा आती है, एनू किश्ती हो जाती है, उधरों आनू हो जाती है,
ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੀਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਤ ਕੋ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਉਤਰੇ ਪਾਰ, ਭੁੱਲੇ ਕੋ ਗੁਰ ਮਾਰਗ ਪਾਇਆ, ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਹੋਰ ਭਗਤੀ ਲਾਇਆ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੁੱਲੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਹੋਰਾਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਔਰ ਤਰੀਕਾ ਬਤਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਕਦਰਦਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਤ ਕੌਡੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਨ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਅਮੁੱਲ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, 84 ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਵੇ, ਕੌਣ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਟੰਗੀ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੁੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਚੋ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ, ਮਨ ਦੇ ਕਹੇ ਨਾ ਲੱਗੋ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਡੰਗ ਸਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਹੋ ਗਏ
कहिंदे संसार दे जितने भी रस है सब फिक्के है। सूफी संत फरीद साहब कहिंदे है, शक्कर खंड नवात गुड़ माखो माजा दुध, सबे वस्तु मिठिया पर रब न पुजे तुद। जदो उसनु नाम दा रस आया वो कहन लगे शक्कर भी मिठी है, शहद भी मिठा है, मझ दा दुध वह भी मिठा है, माखो वगैरह सब कुछ मखियाल वगैरह मिठे हैं, लेकिन जो रस नाम दे विच है परमात्मा दे मिलाप विच है उहदा मुकाबला कोई रस भी नहीं करदा गा। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे जब ए रस आवै तब उह ना रहावै। इको ही रस लै सकदे हो, चाहे नाम दा रस लो, चाहे शराबा कबाबा दा लो। शराबा कबाबा दा देखी जाने हैं, असी पीने हैं, कदे प्यो दी दाड़ी पुत दे हथ च है, कदे पुत दी बाप दे हथ दे विच है, आ हालत साडी हुंदी है। कदे बीमारियां है, डॉक्टर कहिंदे भरावा शराब पीणी है मेरे कोले ना आई, लेकिन फिर कड़ा असी उह आदत नूं छड सकदे हैं। सो इस वास्ते महात्मा कहिंदे आ भरावा जिहड़ा नाम दा रस है वह पी के बाकी दे दुनिया दे रस अपने आप ही साडे अंदरों निकल जांदे है, ना साडे साडा उधर दिल ही नहीं करदा गा जी। संत कहिंदे तुसीं अंदर जाओ, तुहाडे अंदर नाम दा रस बरस रहा है, अंदर जाओ उस अमृतसर दे अंदर, तुसीं इशनान करो जिथे कौं तो हंस हुंदे है, बाहर किसे जगह कां तो हंस नहीं हुंदा गा। जो अमृतसर साहिब बनिया होया है इत्थे पहलां छप्पड़ सीगा, गुरु रामदास जी महाराज ने इस नूं आबाद कीता, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इस नूं कंप्लीट कीता, लेकिन गुरु अमरदेव जी महाराज जदकि इस दा नाम निशान भी नहीं सीगा उदों अपनी बाणी च लिखदे है सच्चा अमृतसर काया माहे मन पीवै पाए सो पाए हे। कहण लगे जिस अमृतसर दे विच ना के कां तो हंस बनदा है वह तुहाडी काया अंदर है, तुहाडी देह और वजूद दे अंदर है। कां तो मुराद मनमुखती है, हंस तो मुराद गुरमुख दी है। कां दी खुराक की है? गंदगी। और हंस की खुराक मोती है। हुण असी जिन्ना चिर बाहर बैठे हैं साड़ी की खुराक है? मन की शराबा कबाबा विशे बकार भैड़े खोटे करम। जद असी अपनी आत्मा तो तिने पड़दे सूल सूक्ष्म ला के उस अमृतसर दे विच उस प्राग दे विच पहुँच जाने हैं जिथे कि तिने नदियां इकट्ठियां हुंदियां है, उत्थे साड़ी खुराक की हो जाती है? नाम का जपना, अमृत का पीना। उत्थे साड़ी हालत हंस गति कह असी गुरमुख बन जाने हैं। गुरु कबीर साहब भी कहिंदे है तीन नदी तिरकुटी माहे। कहन लगे तुसी ब्रह्म दे विच जाओ, इदू उपर जाओ, तुहानू तीन नदियां मिलनगियां। आप कहन लगे जिस तरह बाहर गंगा जमुना सरूसी इकट्ठियां हुंदियां है इसे तरह अंदर भी संगम है। अंदर महात्मा ने देख के बाहर नाम रख्या। कहिंदे ईड़ा पिंगला और सुखमना तीन वसे इक ठाई, बेणी तह प्राग मन है मजन करो ते थाई। आप कहन लगे असली प्राग अंदर है, तुसी उहदे विच जाके इशनान करो। बेणी जी महाराज भी फरमा रहे हैं। सो संत महात्मा कहिंदे तुसी अंदर जाओ, उस अमृतसर दे विच इशनान करो जिथे तुहाडी आत्मा जन्मां जन्मां दी सुती जाग पवे, इस नूं पता लगे कि मेरा केड़ा घर है, केड़ी कौम है जी। जब तुसीं तिन्ने पर्दे ला के पार ब्रह्म दे विच पहुँच जाओगे, उस की है कि उत्थे जो चंद्रमा शरद है वो उत्थे है।
चंद्रमा जैसी लाइट है, रोशनी है, चिट्टा प्रकाश है, उत्थे तुहानू शांति आ जाएगी। आत्मा का 12 सूरज का उत्थे प्रकाश होएगा, फिर इनू पता लगेगा कि मैं आत्मा हाँ। आपदे परमात्मा दे मिलन दी फिर एक कोशिश करती है। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे है, चंदन चंदन सरत रुत मूल न मिट्टी काम, शीतल थीवै नानका जो पंदड़ो हर नाम। कहन लगे कि चंद्रमा तो भाव साडा ये नहीं कि ये दुनिया का चंद्रमा दे विच कोई शांति है या ये शरद है। कहन लगे तुसी दसवें द्वार उस चंद्रमा का जाके दर्शन करो, उस सफेद प्रकाश के अंदर जाके पहुँचो, थानू फिर पता लगेगा कि नाम प्रगट हो गया। जो शांति उस नाम विच है वह बाहरले किसी भी चंद्रमा दे विच नहीं, चंद्रन की जिहड़ी रुत है या लकड़ी है उहदे विच भी नहीं। सो इस वास्ते आप कहिंदे आ असली शांति खुशी जिहड़ी है वह नाम दे विच है जी। उत्थे दी हंस गति हो जाती है, हंस की खुराक मोती हुंदी है। इस तरह उत्थे पहुंची हुई आत्मा की 12 सूरज की रोशनी हो जाती है, यदि हंस गति हुंदी है। उत्थे इसका चोगा जड़ा है वह अमृत का है, शब्द का चोगा है, नाम का चोगा है। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे आ, सूहट पिंजर प्रेम का बोले बोलन हार, सच चोगा अमृत पीए उड़ा तो एक वार। ये साड़ी आत्मा जिहड़ी है, साडा जिहड़ा वजूद है, ये पिंजरा है, आत्मा तोता है। इस पिंजरे दे नाल प्यार पा के कदे दुख की बोली बोलती है, कदे सुख की बोली बोलती है। अगर इस नूं अमृत दा चोगा मिल जाए, अनहद शब्द का चोगा मिल जाए, उड़ा तो एक वार, कहिंदे एक वारी संसार विच आएगी, वारी वारी इन जमना मरना नहीं पएगा। सो यही स्वामी जी महाराज कह रहे हैं। उसे नूं मान सरोवर कहिंदे आ, उसे नूं त्रिवेणी कहिंदे आ। स्वामी जी महाराज कहिंदे आ जो संतां दे बचनां दे उत्ते अमल करदे है वह इस त्रिवेणी विच पहुँच के शांति प्राप्त कर लैंदे आ, सदा की खुशी प्राप्त कर लैंदे है जी। त्रिवेणी मान सरोवर दे विच पहुँच के आत्मा नूं सुरूर आउंदा, खुशी आउंदी है, निहाल हो जाती है। कहन लगे फिर आपदे परमात्मा नूं उपर मिलन की कोशिश करती है। उत्थे शब्द की आवाज कहन लगे किंगरी जैसी है, जोगी किंगरी बजा रहे सीगे। गुरु अमरदेव जी महाराज कहिंदे कि जोग यो ये किंगरी तां कौड़ी कम दी नहीं गी, इस ते मन मस्त हुंदा है। जो अंदर किंगरी वज रही है उस ते आत्मा मस्त हुंदी है। जद शब्द उतरदा है आत्मा जिहड़ी है मोर दी तरह नच उठदी है, पैल पाउंदी है। आप कहन लगे बिन वजाई किंगरी वाजे सो किंगरी वजाओ। आप कहणगे जिहड़ी बिना वजाई बगैर किसे दी सहायता तो किंगरी वजदी है, जोगी उस किंगरी नूं सुणो, उहदी तां तुहाडी कोई जरूरत ही नहीं हैगी। सो इस वास्ते आप कहिंदे बाहर तां किसे वाजे दी लोड़ नहीं, वाजा तां असीं अंदरों सुनना है, जिहड़ा कि परमात्मा बगैर किसे दी मदद तो साडे अंदर राग दे रूप विच पैदा कर रहा है। सो इस वास्ते आप कहिंदे है कि उत्थे जाके आत्मा खुश हो जाती है, निहाल हो जाती है, आपदे परमात्मा नूं मिलन दी कोशिश करती है और उस शब्द दे नाल जुड़ती है। जो सचखंड तो उठ के
ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਨਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸੁਣੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਦ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਟੜੀ ਦੀ ਛਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗਤੀ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਸੰਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਹ ਮਿਲਾਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਏ, ਪੁੱਛੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੂੰਗੇ ਨੂੰ ਗੁੜ ਖਵਾ ਦੇਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਪੁੱਛੀਏ, ਉਹ ਕੱਛਾ ਹੀ ਵਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਗਈ ਪੁਤਲੀ ਲੂਣ ਕੀ ਥਾਹ ਸਿੰਧ ਕੀ ਲੈਣ, ਅਨਾਥ ਆਪ ਪਾਣੀ ਪਈ ਉਲਟ ਕਹੇ ਕੋ ਬੈਣ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਣ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਥਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬਤਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਤ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੇਟਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਰਿਸਕੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਬੱਚਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਹਰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਈਏ, ਜੋ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ।